Can you tell me what is going on inside your mind? Cause you're so hard to read. हेलो अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, मरहबा, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई हमारा एडमिशन तो हो गया डिप्लोमा में, लेकिन अभी तक हम अपना क्लासरूम नहीं देखे हैं, मतलब पॉलिटेक्निक नहीं गया, तो आप प्लीज़ दिखा दो। तो मैं सोचा एक व्लॉग बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं आपका डिपार्टमेंट और आपका क्लासरूम। बहुत दिनों से व्लॉग नहीं आ रहा है, 1 वीक हो गया। इसका रीज़न ये था कि मैं थोड़ा सा बिजी था घर के कुछ कामों में और अपने कामों में, इस वजह से मैं व्लॉग नहीं शूट कर रहा था। लेकिन अब मैं सोचा कि इस वाले व्लॉग को शूट करते उसके बाद से फिर बाहर का जो है उसे देखते। एंड दिस इज द पॉलिटेक्निक बिल्डिंग। एंड दिस इज द मेन गेट ऑफ यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक। आप यहीं से एंट्री लेंगे अंदर की तरफ, और जो ग्राउंड फ्लोर पे थर्ड ईयर की क्लासेस होती हैं, सेकेंड फ्लोर पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं। और यहाँ से हम ऐसे जाते हैं तो हमारे लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है स्टेयर सीढ़ी, और राइट साइड में हमारा लिफ्ट है और उसी के बगल में ऑडिटोरियम। मैं बता दूँ कि लिफ्ट सिर्फ टीचर्स एंड स्टाफ के लिए है, और स्टूडेंट्स के लिए ओनली स्टेयर। आप लिफ्ट का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर थोड़ी सी हिम्मत है और आपको हसल पसंद है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमें थर्ड फ्लोर पे सीढ़ी से चढ़ने में हालत लिटरली ख़राब हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो थर्ड फ्लोर पे है, फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती है। सेकेंड फ्लोर पे आप नीचे देख रहे हैं यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक का पार्क दिख रहा है। तो अभी हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पे और आपको हम दिखाते हैं वहाँ की क्लासेस वगैरह कि कौन सी क्लास किस ब्रांच की है। हमारा सेकेंड फ्लोर। स्टेयर से आते हुए जब हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमें मिल जाता है मैकेनिकल की क्लासेस, इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस एंड कंप्यूटर की क्लासेस। ये है मैकेनिकल फर्स्ट ईयर की क्लासेस, आप ऊपर देख रहे हैं लिखा हुआ है 205। यहाँ से हम इंट्री लेते हैं। हमारा क्लास कुछ ऐसा है, जब मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था तो ये हमारा क्लास था, हम यहीं पे बैठते थे। एंड माय फेवरेट प्लेस, मैं हमेशा इस जगह पे बैठ के पेपर देता हूँ हमेशा। तो यहाँ पे कुछ हमारा क्लास ऐसे दिखता है। आई एम मिसिंग दोज डेज। खड़े हैं डेस्क पे जहाँ पे खड़े होकर टीचर लेक्चर वगैरह दिया देते हैं। तो फिर हम नीचे उतरते हैं, हम पीछे की तरफ आते हैं और आपको हम दिखाते हैं फ्रंट से कैसा दिखता है। फ्रंट से आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं क्लास कुछ ऐसा दिखता है। एंड ये डेस्क है जहाँ पे टीचर खड़े होकर लेक्चर देते हैं। ये ब्लैक बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, यहाँ पे टीचर बैठते हैं, यहाँ पे उनके बैग्स वगैरह जो भी वो लाते हैं वो रहता है। बाकी ये सारा क्लासरूम दोस्त आपका है अगर आप फर्स्ट ईयर में है तो। मैकेनिकल के क्लास से हम जैसे ही आगे बढ़ते हमें मिलता है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट। ये लॉक है, अभी इसे खोलते हैं, खुल जाएगा। तो ये भी सेम है, डिजाइन वगैरह इंटीरियर सबके सेम है। क्लास कुछ ऐसे दिखता है। ओहो, मतलब एक टाइम में इसमें मोर देन 80 स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं, और बैक से क्लास ऐसे दिखता है। अभी हम यहाँ थे, यहाँ से जब हम लेफ्ट लेते हैं तो कुछ ऐसा लॉन दिखता है, और लॉन के लेफ्ट साइड में कंप्यूटर फर्स्ट ईयर की क्लासेस है। तो इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने पे ये हमारा कंप्यूटर की क्लासेस है, लाइट वगैरह भी बंद है और इसमें रोशनी बहुत कम आता है। तो हाँ जी, ये थी कंप्यूटर की क्लासेस। मैंने आपको 3 क्लासेस दिखा दिया, कंप्यूटर मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इससे जो आप सीधे जो रास्ता थे उधर जाएंगे तो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लासेस है, सॉरी इलेक्ट्रिकल की क्लासेस है, वो उधर भी क्लासेस बाकी सारे सेम है। और मैंने दिखाया ये मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। और इधर से आएंगे तो सामने एक बालकनी है, यहाँ से देखेंगे तो ये वो हमारा वर्कशॉप क्लासेस है, ब्लैक स्मिथ का थर्मल का लैब है, ये मशीन शॉप है। और ये नीचे कुछ यहाँ पे ऐसे ही ओपन खुला हुआ है। और यहाँ से जब हम आते हैं जिधर कंप्यूटर की क्लासेज है सीधे जाते हैं, तो इधर भी हमें एक लॉन टाइप का मिलता है, और इधर वाटर कूलर है, और यहाँ पे वॉशरूम है, और इधर पूरा ये बिल्डिंग्स है खुला हुआ है। और यहाँ से भी साइड से भी स्टेयर है, अगर कोई बच्चा पीछे से आना चाहे तो आप आ सकते हैं। This could get dangerous real fast if you left on your own.
I think you need some time. और ये जो आप सामने देख रहे हैं वो है वहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस होती है, लेफ्ट साइड में जो नीचे व्हाइट बिल्डिंग है उसमें सिविल इंजीनियरिंग की लैब है, और उधर सारे इंजीनियरिंग की क्लासेस होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लासेस चलती है वहाँ पे सारे। जब हम वापस आते हैं स्टेयर की तरफ तो स्टेयर के लेफ्ट साइड में है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की क्लासेस, सेम इंटीरियर सेम डिजाइन है। और यहाँ से जब हम आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल सिस्टम का लैब है ये, और इसके जब हम आगे आते हैं तो यहाँ पे ये सिविल की क्लासेस है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर की ये क्लासेस है 203, और यहाँ से कुछ ऐसे नज़ारे हैं। मैं अगर आपको ये व्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके जाइएगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको अच्छे से डिटेल्स में बताता हूँ और आई होप आपको पसंद आ रहा होगा। और जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लास के सामने जब हम जाते हैं तो इस साइड में हमारा लिफ्ट है, और कहते हैं अगर आप पॉलिटेक्निक में और अगर आपने अभी तक लिफ्ट नहीं यूज किया तो फिर आप कर क्या रहे हैं। तो इधर भी है वाटर कूलर वॉशरूम, और इस साइड हम आते हैं तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट लाइब्रेरी है, ये हमारा डिपार्टमेंट का लाइब्रेरी है, इसके अंदर आप आगे क्लास के टाइम पे बैठ के पढ़ सकते हैं। और इधर से हम आपको चलते एक खूबसूरत सी चीज दिखाते हैं, चलिए। हमें पॉलिटेक्निक के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सबसे ऊपर अभी हम आए हुए थे क्योंकि हमें आपको एक खूबसूरत सी चीज दिखानी है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उस जगह की व्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन कॉलेज अभी बंद है जिसकी वजह से एंट्री नहीं हो रही है और व्लॉग मैं शूट नहीं कर पाऊँ। वो मेरा ड्रीम व्लॉग है, दुआ करना यार एक दिन मैं शूट कर लूँ। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने जामिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के बारे में सुना ही होगा कि उससे ज़्यादा खूबसूरत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है कहीं भी, जिसे छोटा फिरोजशाह कोटला भी कहा जाता है। तो मैं दिखाता हूँ अभी, आई एम सो एक्साइटेड। अगर आपको ये क्लिप पसंद आए तो इसके लिए तो जरूर लाइक कर देना वीडियो को। तो हाँ जी भैया, अभी हम आए हुए थे जामिया पॉलिटेक्निक और यहाँ सीन्स कुछ ऐसे हैं। ये है जामिया फुटबॉल ग्राउंड, और इसके सामने आप वो जो देख रहे हैं वो क्रिकेट नेट प्रैक्टिस के लिए है, और ये रहा हमारा छोटा फिरोजशाह कोटला, हमारा क्रिकेट ग्राउंड जो कि आप लाइट्स देख रहे हैं चारों तरफ से लगे हुए वो, तो यार वो हमारा क्रिकेट ग्राउंड। तो मैंने आपको सारा टूर करा दिया फर्स्ट ईयर के जितने भी आप स्टूडेंट्स हैं। मैं एक बार और आपको रिमाइंड करा दूं, सेकंड फ्लोर पे फर्स्ट ईयर की क्लासेस होती हैं, और सेकंड फ्लोर पे ही सेकंड ईयर की क्लासेस होंगी, और थर्ड ईयर की क्लासेस ग्राउंड फ्लोर पे होंगी। और जो आपका लैब वगैरह होता है वो लैब वगैरह चेंज होते रहता है, कभी इस साइड कभी उस साइड, तो वो आपको टीचर्स इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक इज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑफ जामिया कैंपस। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर टुडेज व्लॉग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, वंस अगेन थैंक यू सो मच। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। हम फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज। और हाँ, आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट व्लॉग में आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके व्लॉग बना के कोशिश करूंगा आप तक पहुंचाऊं। तब तक के लिए टेक केयर।